हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लोल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, लोल क्विज में आप लोगों का स्वागत है। तो 30 क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सभी मिलता रहे। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर बहुत सारा कॉन्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या के दृष्टि भारत से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये स्थान आपका तीसरा है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना लंबा है? 343 किलोमीटर, 545 किलोमीटर, 673 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। और पांचवा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना लंबा है? तो ये होगा ऑप्शन डी, 729 किलोमीटर। आइए देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? शिवहर, कैमूर, रोहतास, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा पूर्णिया जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 94। निम्न में कौन बिहार की भाषा नहीं है? मैथिली, भोजपुरी, डोगरी या मगही? तो ध्यान देना है कि निम्न में कौन बिहार की भाषा नहीं है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, डोगरी। डोगरी जो है बिहार की नहीं, मैथिली, भोजपुरी, मगही बिहार की भाषा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 95। यदि कोई सदस्य की किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए निरअर्हता से ग्रसित हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसे है? तो ये आंसर है राज्यपाल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, आज का छठा क्वेश्चन। मुल्ला बहवानी यात्री था अरब के, इराक के, ईरान के, ग्रीक के? तो ये आंसर है ईरान के, मुल्ला बहवानी यात्री था। आइए देखते हैं 97। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये होगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? बिंदुसार, अशोक, हर्ष, कनिष्क? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक के सहायता से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद के द्वारा हुई, खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड हत्याकांड से संबंध रहे थे, किंग्सफोर्ड हत्याकांड में प्रभुल चाकी को फांसी की सजा दी हुई, बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ प्रमुख थे? तो यहाँ पे सही नहीं है, किंग्सफोर्ड हत्याकांड में प्रभुल चाकी को फांसी की सजा हुई, ये बात नहीं सही है। बाकी ठीक है, बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद के द्वारा हुई, खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड हत्या से संबंध रहे थे, बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में ज्ञानेंद्र नाथ प्रमुख थे। आइए देखते हैं 101। ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में बिहार में पहली बार जनता के विद्रोह किस रूप में सामने आया? सन्यासी विद्रोह के रूप में, नील विद्रोह के रूप में, कोल विद्रोह के रूप में, संथाल विद्रोह के रूप में? तो ये आंसर होगा सन्यासी विद्रोह के रूप में बिहार में पहली बार जनता के विद्रोह जो है सामने आया अंग्रेजों के सामने। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार में बहुआयु ने किस नेता के नेतृत्व तले 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया? तो विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, याह्या अली? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इनायत अली। आइए नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार टाइम्स के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? महेश नारायण, हसन इमाम, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल? तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार टाइम्स के संस्थापक सदस्यों में नहीं था? तो ये आंसर है हसन इमाम। मतलब कि बिहार टाइम्स के संस्थापक में महेश नारायण,
श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल तीनों थे, लेकिन आंसर फिलहाल यहाँ ये है कि नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र पर इवन ड्रेमिटियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? कनब वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो पाटलिपुत्र पर इवन डेमिट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, शुंग वंश के समय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किसका विस्तार त्रिवेणी नहर से भिखना ठोड़ी तक है? रामनगर द्वंद श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, ब्रावर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। तो ऑप्शन बी होगा, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार त्रिवेणी नहर से भिखना ठोड़ी तक है। आइए देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में नीस शिष्ट था ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है? शिवालिक क्षेत्र, गंगा कुत्री मैदान में, टाल क्षेत्र में, दक्षिण गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में। आइए देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में मार्च मई महीने में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? वैशाखी, आम्र वर्षा, मानसूनी वर्षा, शीतकालीन वर्षा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाखी वर्षा। ठीक है, मार्च मई में होने वाले वर्षा को यही कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सोन, पुनपुन, कमला, पंचानवे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये सोन और पुनपुन का, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में आती है ये नदियाँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए देखते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि आज का 19वां क्वेश्चन। बिहार के किस क्षेत्र में करेल के वाल्मीकि पाई जाती है? पटना, मुंगेर, भागलपुर, गया, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान देना है कि बिहार के किस क्षेत्र में करेल के वाल्मीकि पाई जाती है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये चारों जगह करेल के वाल्मीकियाँ जो हैं पाई जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं बीपीएससी सेट के प्रैक्टिस में। नगी पक्षी विहार निम्न किस जिले में स्थित है? गया, जमुई, मुंगेर या भोजपुर। तो ध्यान देना है कि नगी पक्षी विहार निम्न में किस जिले में स्थित है? गया, जमुई, मुंगेर या भोजपुर। तो ये नगी पक्षी जमुई में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहराकर किस पूर्व मुख्यमंत्री के 14 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड तोड़ा है? श्री कृष्ण सिंह, राबड़ी देवी, अब्दुल गफूर या भोला पासवान शास्त्री। आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह की रिकॉर्ड को तोड़ा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में आयोजित किया जा रहा है? 7, 9, 11 या 13। तो ये होगा आंसर ऑप्शन 11 चरणों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल के किस पहले मुस्लिम व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिकी राजदूत एट लार्ज नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर होगा राशिद हुसैन, असुद्दीन ओवैसी, इरफान पठान, शाहरुख खान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान देना है, भारतीय मूल के किस पहले मुस्लिम व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिकी राजदूत एट लार्ज नियुक्त किया गया है? तो राशिद हुसैन को, राशिद हुसैन ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए 40 नंबर देखते हैं। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग का जिला कौन बना? बेगूसराय, जहानाबाद, नालंदा या पटना। तो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो जिला बना वो जहानाबाद बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को वहाँ बेचने की अनुमति मिली है? पानी, सिंघाड़ा, मखाना, गुल्हड़, बेट का फूल। तो ये 15 का B हो जाएगा, अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को हम बेचने की अनुमति मिली है? तो मखाना को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश की सरकार ने दो बच्चों वाली नीति को खत्म करने 3 संतानों की मंजूरी दे दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर। तो अब चीन में 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं कपल्स, इसके पहले 2 बच्चों की नीति था, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बुढ़ा हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लॉस एंजलिस के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFLA में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है? भारतीय फिल्म महोत्सव में तो सेठ थुमान बिरयानी
ओरु पक्का कथाई पावा कढ़ाई गल। तो ये आंसर है सेठ थुमान। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पांडिचेरी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा चंडीगढ़, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में खबरों में आई स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑर्सिनस ऑर्का, इनिया जियोफ्रेंसिस, और केला ब्रेविरोस्ट्रिस, एस्ट्रेला लॉन्गी रोस्ट्रिस। तो ये आंसर होगा एस्ट्रेला लॉन्गी रोस्ट्रिस। क्या है? हाल ही में खबरों में आए स्पिनर डॉल्फिन डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, तो ये एस्ट्रेला लॉन्गी रोस्ट्रिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120, आज का 30 नंबर क्वेश्चन, और यहीं पे विराम देते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंद्रजाल नामक भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को डिजाइन और विकसित किया है? तो ये आपका साक रोबोटिक्स, ग्रीन रोबोटिक्स, आई फ्यूचर रोबोटिक्स, राइप्यूटा रोबोटिक्स। तो ग्रीन रोबोटिक्स ने ऐसा किया है। तो इस प्रकार से हमने आज 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखा। तो चलिए मिलते हैं इस क्यूज के सीरीज में, लोल क्यूज के सीरीज में अगले दिन। आज भर के लिए इतना ही। और तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।